गाइस, तो आज है मेरे चाचा के लड़के का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। कितने दिन पहले पता सी मैं क्या? हम सब यहाँ पहुँच चुके हैं और सभी बैठे हुए हैं। बर्थडे की तैयारी तो चल रही है, लेकिन अभी केक रास्ते में आ रहा है। केक तो लेके आना ही। आ चको तैयारियां जन्मदिन दियां। ने केक टेबल पर रख दिया है और अब हम बाहर जाकर पटाखे चलाएंगे। आ देखो पटाखे नकली। इन्हें ले दे रहा मुंह दिखा, इहदा मुंह दिखा। इन्हें नकली पटाखे ले आके देते, उन्हें चलदे भी नहीं पे। जाओ। और फिर सबने हमको बुलाया कि अंदर आ जाओ, केक कटिंग करते हैं। तो केक पर और फिर सभी हम बैठ चुके थे केक कटिंग करने के लिए। टफी ओ तो इधर पता नहीं क्या प्लानिंग करके केक लेकर आया है कोई। हैप्पी बर्थडे टू यू। गाइस यू कैसा केक लेकर आ चुके हैं, ये देखो। हाय हाय, चल कोई ना गैली। जूवी भी जम देने से आया हुए। केक पर रख दी गई है ये कैंडल और उसको जगा दिया गया है। अब केक कटने की रस्म स्टार्ट हो चुकी है। पहले हम अशा केक काटेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। इधर देखो फोटो तो खींची नहीं। टू हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। देखो गाइस कितना रोला पै रहा है। तो केक की रस्में करने के बाद हम सब चले गए थे किचन में। यहाँ पर हमने एक एक थाली में रख दिया था समोसा और साथ में था ये गुलाब जामुन का डब्बा। और इन्होंने हमारा केक का तो पूरा मज़ा ख़राब कर दिया था, वो केक, वो गंदा सा केक लिया कर। तो फिर हमने दूसरा केक लिया था मैंने खाने के लिए, लेकिन वो भी तो केक ही था वैसे तो। तो फिर हमने सबको केक वगैरह सर्व करना स्टार्ट कर दिया था। सभी प्लेटों में डालकर केक और रसगुल्ले रख दिए थे। थोड़ी सी फिर मैंने अपनी चाची की हेल्प कराई और उनके साथ सब किया, उनके साथ केक सबको। और फिर हम सब ने पी थोड़ी सी गम्मा गम चाय और साथ में था रसगुल्ला समोसा केक। रात का टाइम था, इतना हैवी खाना मेरा बनता तो नहीं है, मैं मोटी होती जा रही हूँ, लेकिन मेरे मुंह का टेस्ट है ना, मुझे सब खिलाना पड़ जाता है। तो फिर मैंने तो दो समोसे खा लिए गाइस। अब हम कल मिलेंगे आपको। बर्थडे पार्टी फनी सी कैसी लगी?